ओके फ्रेंड्स, टुडे आई एम गोइंग टू टीच यू डिफरेंस बिटवीन कंटीन्यूअस एंड कंटीन्यूअस इंप्रूवमेंट। ओके सर, लेट्स स्टार्ट। कंटीन्यूअस एंड कंटीन्यूअल, बोथ कंटीन्यूअस एंड कंटीन्यूअल आर सेम बट देयर इज अ लिटिल बिट डिफरेंस। स्टॉपलेस इंप्रूवमेंट, स्टॉपलेस इंप्रूवमेंट क्या होता है? वंस यू डन एन इंप्रूवमेंट इन योर प्रोसेस, जब कोई भी एक बार आप अपने प्रोसेस में कुछ इंप्रूवमेंट कर देते हो, जस्ट लाइक कोई काइजन कर दिया आपने या कोई कोका लगा दिया, तो वो आपने एक लंबे समय के लिए क्या करते हैं, इंप्रूवमेंट कर दिया, ठीक है। और साथ साथ में और भी कुछ क्या करते जा रहे हो, इंप्रूवमेंट कर रहे हो। तो स्टॉपलेस इंप्रूवमेंट का मतलब ये है, आप स्मॉल सेगमेंट इंप्रूवमेंट कर रहे हो अपने प्रोसेस में, छोटा छोटा इंप्रूवमेंट कर रहे हो, ठीक है। दिस इज द पार्ट ऑफ द काइजन। ओके, और विदाउट ब्रेक इंप्रूवमेंट भी कहते हैं इसको। विदाउट ब्रेक इंप्रूवमेंट इसलिए कहते हैं कि हम आप क्या कर रहे हैं, अपने प्रोसेस को कुछ फाइन करने के लिए या प्रोसेस को बेटर करने के लिए कुछ ना कुछ स्मॉल इंक्रीमेंटल इंप्रूवमेंट उसमें हम कर रहे हैं। ओके, तो इट इज आल्सो नोन एज लीनियर इंप्रूवमेंट। लीनियर इंप्रूवमेंट का मतलब यह है आपको लगातार कुछ ना कुछ इंप्रूवमेंट करते रहना है। ओके, जस्ट लाइक योर स्किल डेवलपमेंट, अगर आप स्किल डेवलप कर रहे हो अपने अंदर, तो साथ साथ आपको कुछ ना कुछ लगातार ही चेंजेस करने हैं अपने स्किल में। आपको सेल्फ असेसमेंट करना है और सेल्फ असेसमेंट के साथ साथ आपको क्या करना है, इंप्रूवमेंट करना है, स्किल इंप्रूवमेंट। तो स्किल इंप्रूवमेंट इज आल्सो एग्जांपल ऑफ कंटीन्यूअस इंप्रूवमेंट। ओके, इट इज आल्सो नोन एज लीनियर इंप्रूवमेंट। वेन वी ड्राइव ए कार, जब हम कभी कार चलाते हैं तो कार के जब रेस देते हैं, रेस जब दबाते हैं कंटिन्यूअसली रेस दबाते हैं तभी गाड़ी आगे बढ़ती है, दैट इज कंटिन्यूअस। ओके, तो कंटिन्यूअस का मतलब होता है लगातार। ओके, कम ऑन कंटिन्यूअल इंप्रूवमेंट। कंटिन्यूअल इंप्रूवमेंट क्या होता है, पीरियोडिक इंप्रूवमेंट और इंप्रूवमेंट बीइंग टाइम इंटरवल। आपने क्या किया, एक बार कुछ इंप्रूवमेंट कर दिया, उस पर कुछ आपने कुछ समय के लिए उसकी इफेक्टिवनेस को चेक किया, देन आपने कुछ नया इंप्रूवमेंट किया, ठीक है। तो दिस इज द मॉडल ऑफ द कंटीन्यूअल इंप्रूवमेंट। कंटीन्यूअल इंप्रूवमेंट, जस्ट सपोज इफ यू आर ऑन जीरो स्टेज, आपको जीरो से वन पे जाना है। जीरो से वन पे जब आप जाओगे टीम पे, तो वन पे जाने के लिए अभी आप यहाँ पर, यहां से लेकर यहां तक इस पे हो जीरो जीरो। ओके, जीरो पे हो। अब जीरो से आपको कहां जाना है, वन पे जाना है। वन पे जाने के लिए ये जो आपका टाइम, ये जो है ये क्या कहलाता है, टाइम पीरियड और पीरियोडिक इंटरवल। इस टाइम पीरियड में या इस पीरियोडिक इंटरवल में आपको क्या करना है, अपने आपको रिफाइन करना है, लर्निंग करनी है। ओके, जब अपने जीरो से वन पे जाओगे तो कुछ ना कुछ इंप्रूवमेंट करके तभी जाओगे, ठीक है। अगर सपोज यू हैव इंप्रूवमेंटेड एट दिस पॉइंट, you got this point, then you remain some time period up to here, one to one dash, okay? अब आपको वन से किस पे जाना है, टू पे जाना है। टू पे जाने के लिए आपको जब आपने वन पे इंप्रूवमेंट किया, तो कहीं ना कहीं आप यहाँ से लेकर यहाँ तक तो सेम रहोगे, सेम रहोगे यहाँ से यहाँ तक, ओके। अब ये इस पे जाने के लिए, यहाँ पे यहाँ जाने के लिए आपको इस पे ये जो टाइम जो बचेगा आपका, ये जो चीज है, ये क्या कहलाएगा, इम्प्रूवमेंट पीरियड या इम्प्रूवमेंट टाइम पीरियड। आपको यहाँ पर कुछ नया सोचना है, नया कुछ क्रिएटिव करना है, देन तब जाके आप किसी सेकंड लेवल पर पहुंच पाओगे। ऐसे ही थर्ड पर पहुंचोगे आप, ठीक है, ऐसे ही फोर्थ पर पहुंचोगे, देन यू गॉट योर गोल। सो दिस इज द कंटिन्यूअल इंप्रूवमेंट। कंटिन्यूअल का बेस्ट एग्जाम्पल है टू सेट द गोल, ठीक है। कोई भी कंपनी क्या गोल सेट करती है कि मेरे को अभी क्या करना है, अभी कंपनी का जो टर्नओवर है वो 5 करोड़ का है, उसको कितने टर्नओवर कितने का करना है, 7 करोड़ का टर्नओवर करना है। तो 7 करोड़ का जो टर्नओवर बनाती है, गोल बनाती है कंपनी, तो एक टाइम पीरियड फिक्स करती है। आपको मैंने लास्ट क्लास में पढ़ाया था स्मार्ट गोल, ठीक है। स्मार्ट गोल में क्या दो मेन फैक्टर्स होते हैं, एक तो मेजरेबल, दूसरा टाइम बाउंड। ओके, मेजरेबल जैसे 5 करोड़ से 7 करोड़ उसको अपना सेल टर्नओवर बढ़ाना है, तो मेजरेबल तो हो गया 5 से 7। अब कब बढ़ाना है, यानी फाइनेंशियल पीरियड, किसी टाइम पीरियड में,
या फाइनेंशियल ईयर 2020 ट्वेंटी ओके। तो आपका जो है क्या हो जाएगा, इसका एक एग्जांपल मैं ले देता हूँ। दिस टाइम फिक्स्ड, तो इसका जो है क्या एग्जांपल हो सकता है, तो इंक्रीज टू इंक्रीज टर्नओवर 5 करोड़ टू 7 करोड़ ठीक है, विद इन फाइनेंशियल ईयर 2020 फाइनेंशियल 2020 तक हमको करना है, करना यानी आप और इसको रिफाइन कर सकते हो मार्च 19 टू फाइनेंशियल मार्च 19 टू अप्रैल 2020 आपको एक साल मार्च 19 से अप्रैल 2020 तक आपको क्या करना है, एक सेल की टर्नओवर बढ़ाना है 5 करोड़ टू 7 करोड़। तो क्या किया इसने, अभी इनका जो था 5 करोड़ का था, इन्होंने एक टाइम पीरियड ले लिया और अपने गोल को सेट कर दिया कि हम 7 करोड़ देना चाहते हैं। तो क्या हो गया, जब तक ये 7 करोड़ रुपए नहीं पहुंच पाएंगे, मान लो फिलहाल ये कितने पे है, 5 करोड़ रुपए है, कहां जाना है इनको, 7 करोड़ रुपए। ये जब अभी तक तो ये 5 करोड़ रुपए स्टेबल है, ठीक है, जैसे ये 7 करोड़ रुपए जाएंगे इनको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे इम्प्रूवमेंट करने हैं, इम्प्रूवमेंट। और ये इम्प्रूवमेंट किस किस फील्ड में होने हैं वो कंपनी अपने आप उनको सेट करती है, तैयार है वो, तो कौन सा डिपार्टमेंट मार्केटिंग वाला क्या करेगा, प्रोडक्शन क्वालिटी वाला, इस वक्त सब लोगों के अपने अपने रोल प्ले करने होते हैं टू अचीव योर KPI। जो टोटली जो हमारा ओवरऑल जो गोल होता है वो कंपनी का गोल है 7 करोड़, तो पूरी कंपनी का कॉमन गोल क्या हो जाएगा, टू अचीव 7 करोड़ से, ओके। तो समझ आ गया कंटिन्यूअल इंप्रूवमेंट का एग्जांपल। यस सर। अब मान लो आपको कुछ प्रोडक्शन प्रोडक्टिविटी बढ़ानी है, प्रोडक्टिविटी अगर आप बढ़ा रहे हो साथ में, तो क्या किसका एग्जांपल है वो, कंटिन्यूअस का है कि कंटिन्यूअल का है, कंटिन्यूअस कंटिन्यूअस का, राइट। क्या प्रोडक्टिविटी बढ़ा रहे हो, आप कुछ ना कुछ उसमें नया करते जाओगे, आप हो सकता है कि आपको मैन पावर ज्यादा लग रहा है तो मैन पावर को आप क्या करोगे, कम करोगे, आपको मशीन से लग रहा है कि मशीन से और इसके पार्ट निकल सकते हैं तो उसका जो है प्रोडक्शन बढ़ाओगे। प्रोडक्टिविटी मीन्स टू प्रोड्यूस मोर आउटपुट बाय यूजिंग लेस रिसोर्सेज, ओके। तो हम कुछ ना कुछ स्मॉल स्मॉल सेगमेंट इंप्रूवमेंट करेंगे तब जाकर हमारी प्रोडक्टिविटी इंक्रीज होगी, ओके। दैट एग्जांपल ऑफ कंटिन्यूअस। कंटिन्यूअल का मैंने बता दिया गोल सेट करना, और कंटिन्यूअल का एग्जांपल है एक, आप जब अपनी प्रोफेशनल लाइफ में आगे बढ़ते हैं तो आप भी जूनियर इंजीनियर से इंजीनियर, इंजीनियर से सीनियर इंजीनियर, सीनियर इंजीनियर से AM से DM फिर मैनेजर। तो जैसे आपने देखा सपोज तुम यहाँ पे अभी आप क्या हो, इंजीनियर, क्या हो इंजीनियर, क्या बनना चाहते हो, सीनियर इंजीनियर। अब यहां तक आप सीनियर इंजीनियर ही रहोगे, इस पॉइंट पर जाने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर इंप्रूवमेंट करना पड़ेगा, ठीक है, स्किल डेवलप करना पड़ेगा आपको, ओके। लगातार स्किल डेवलप कर रहे हो देन कंटिन्यूअस, अगर आप कुछ समय लेकर के अपने आपको स्किल इंप्रूव कर रहे हो कि अभी मैं इंजीनियर हूँ मुझे सीनियर इंजीनियर बनना है, तो सीनियर इंजीनियर बनने के लिए आपने कुछ टाइम पीरियड फिक्स करना पड़ेगा, गोल बनाना पड़ेगा, तो विद इन 1 ईयर विद इन 6 मंथ, उस 6 मंथ में आपका जो लर्निंग पीरियड होगा दैट इज अ लर्निंग पीरियड, ओके। ये यहाँ से लेकर के जब आपको जो है अपनी जो लर्निंग स्किल जो आपकी जो स्किल्स है उसको डेवलप कर लोगे, अगर आपके पास अपॉर्चुनिटी आती है सीनियर इंजीनियर बन जाते हो देन यू अचीव योर गोल, ठीक है। तो दिस इज एग्जांपल ऑफ द कंटिन्यूअस इंप्रूवमेंट, ओके, अंडरस्टूड डिफरेंस बिटवीन कंटिन्यूअस एंड कंटिन्यूअस इंप्रूवमेंट। यस सर। ओके, देखा जरा।